हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं फ़िशिंग के लिए आ रहा था, बट मेरा गोप्रो का दोनों बैटरी डेड हो चुका है, सो वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। काफ़ी दिन हो गए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो कब डालोगे भाई, वीडियो कब डालोगे। तो फाइनली मैंने सोचा है कि आज मोबाइल से ही शूट कराऊँगा, तो मैं उनको ही दे दूँगा, बोलूँगा कि अगर एक भी फ़िश लगती है तो आप वो रिकॉर्ड करो और मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा। अगर नहीं भी लगती है तब भी मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स के साथ तो ये वीडियो पब्लिश करूंगा ही। मैं दिखाता हूं आज आपको अपने किस रॉड से खेलने वाला हूं। आज मैं नया रॉड लेके आया हूं, क्रोकोडाइल बेट कास्टिंग रॉड। ये एक हॉलो रॉड है, लाइट वेट, तो आज मैं इसमें बेट कास्टिंग रील सेटअप करूँगा और इससे शिकार करूँगा। देखते हैं शिकार लगता है या नहीं लगता है, ये वीडियो खाली जाती है यह शिकार लगता है, वो तो पता चलेगा। तो गाइस प्लीज़ कीप वॉचिंग। गाइस आज मैं सीसर रील से खेलूँगा, इसके अंदर प्रो हंटर लाइन है, तो मैं पहले रील को सेट कर लेता हूँ। इसको लिया इस तरीके से और पहले इसमें इधर लगाया और उसके बाद इस नॉट को टाइट कर दिया, जो भी ये लगा हुआ है इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ से होके पास कराऊंगा। गाइस पता है बेट कास्टिंग रॉड और स्पिनिंग रॉड में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बेट कास्टिंग रॉड में ये जो गाइड होते हैं ना, गाइड जहाँ से होके लाइन निकलती है, ये काफ़ी पास पास होते हैं और छोटे होते हैं, जिससे ये लाइन स्ट्रेट रखने में इसको मदद करता है और लॉन्ग कास्ट होती है और बैकलैश नहीं लगता। स्पिनिंग रील में क्या होता है कि ये गाइडलाइन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ना उसकी लाइन इस तरीके से स्पाइरल शेप में निकलती है, घूम घूम के घूम घूम के, तो उसके होल बड़े होते हैं। ये स्ट्रेट जाती है इसलिए इसके होल छोटे होते हैं। तो मैं इसमें सेटअप कर रहा हूँ, ये मेरा बेट कास्टिंग रॉड है। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक बेट कास्टिंग रॉड और एक स्पिनिंग रॉड में क्या डिफरेंस होता है। इससे मैंने पहली बार खेला था लेकिन मज़ा नहीं आया था, आज फिर से लेके आया हूँ कि शायद मेरे कुछ एक्सपीरियंस में कमी रही हो। आज दोबारा से ट्राई करता हूँ, देखता हूँ इससे कोई फ़िश लगती है या नहीं। और मैंने स्वाइवल नहीं लगाया है, इस तरीके से नॉट बांध के इसका बना लिया है, इसके अंदर ही फ्रॉग लगा के यहाँ से ऐसे घुमा के इसको फंसाऊँगा इस तरीके से। तो देखते हैं गाइस, इसको मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लूँगा मैं कि सारे गाइड से होके लाइन गई है कि नहीं, वो ज़रूरी है। और इसके बाद मैं फ्रॉग लगाऊँगा। अब मैं इसको लगा लेता हूँ, इस तरीके से पास कराया और फ्रॉग इसके अंदर से होके निकाल लूँगा, जिससे ये एक नॉट बन जाएगी इस तरीके से। ये मैं इसी बेसिक फ्रॉग से खेलूँगा, कोई फ्रॉग लगाता हूँ कलर मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं इसको कास्ट करके देखता हूँ कास्ट होता है या नहीं। तो पहला कास्ट करता हूँ गाइस स्लो। ओह काफ़ी बढ़िया मज़ा आया, इस साल मछली सब बचेगा, पानी ज़्यादा आ गया ना ऊपर आएगा। फिर भी लास्ट टाइम में ना आया,
पकड़ा हुआ है। ओ शिट, मुझे लगा छूट गया, बट ये है पकड़ा हुआ है, ये स्नेक हेड कपड़ा। गाइस ये आज का पहला शिकार। जैसा कि मैंने बताया, आज आपको शिकार इंशाल्लाह होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। ओके गाइस, देखते रहिए, देखते हैं अभी। तार सब चीज से देख तार से यहाँ से खराब है। ले चल 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 चल, हाँ उधर वहीं पर चल दिया था। हाँ ये देखो छबरा है, वो छबरा है, वो उस पे दो उधर से जाओ भी होगा। हाँ वही देखो, वही देखो, वही देखो, आयर पर देखो, हाँ सूखल है। अरे कनी टा पानी, ये इतना पानी है। गाइस मैं थोड़ा लेट हो गया इसका फोटो लेने में, जल्दबाजी में घर आ गया जब तक ये कट चुका था। कोई नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो शिकार थे जो आज मैंने किया था। ओके गाइस, बढ़िया खेल था। अगर पानी बढ़ गया हो आपकी तरफ, पानी फैला हुआ हो, तो आप ट्राई करें कि जहाँ से बढ़ा हुआ पानी है उसके जस्ट बाद वाला जो पानी है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको शिकार लगेगा। काफ़ी मज़ेदार खेल था, काफ़ी बढ़िया लगा। मुझे जाना इसलिए पड़ रहा है बहुत ही जल्दी, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, अर्जेंट कॉल ऑफिस की तरफ से। आज संडे है फिर भी, तो मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ है ज़रूरी। बाकी बढ़िया खेल था, काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी अटैक दिखाओ, रिट्रीवल दिखाओ। उसमें काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, ऐसा लगा जैसे फिश छूट गई, लेकिन फिश थी उसमें। तो बाद में जब हमने रिट्रीव किया तो फिश आई ऊपर निकल कर। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी इंशाल्लाह। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।